IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक सामान्य विकार है जिससे पेट और आंत प्रभावित होते हैं। इसमें गैस, पेट दर्द, ऐंठन, सूजन, कब्ज और दस्त शामिल है। हमारी आंतों में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एक गुड बैक्टीरिया है। यह हमें पाचन में मदद करता है और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को दबाता है। ये हमारे गलत खान पान, ज्यादा दवाइयाँ खाने जैसे एंटीबायोटिक और पेन किलर से ये मर जाता है। इसीलिए ये बीमारी IBS पैदा होती है। इसे ठीक करने के लिए हमें अपने इंटेस्टाइन में इस गुड बैक्टीरिया को दोबारा लाना होता है, जो हमें मिलेगा फ्रेश दही में लहसुन, प्याज और केले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संगीता प्रसाद। आपकी रिक्वेस्ट पर आज मैं लाई हूँ IBS से बचने के इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट और कुछ सुझाव, जिनका उपयोग करके न सिर्फ आप अपने पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए, सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट देखकर ना छोड़े, क्योंकि इस वीडियो में मैं इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको कुछ सुझाव भी बताऊंगी IBS से बचने के। अब मैं आपको बताऊंगी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है, हमें अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बिल्कुल बीच में हमें यहाँ दबाना है। इसे दबाने का समय 30 सेकेंड है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, हमें अपने हैंड के रिस्ट के सेंटर से 3 उंगली के गैप पर हमें बिल्कुल सेंटर में यहाँ दबाना है। इसे दबाने का समय 30 सेकेंड है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, हमें अपने स्कल के बेस और नेक के टॉप जहां मिलती है उसके दोनों ओर हमें यहां दबाना है। इसे दबाने का समय 30 सेकेंड है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। हमारा चौथा पॉइंट है, हमारा नाभि चक्र के लिए हमें अपने दोनों हाथों के सेंटर में यहां दबाना है। इसे दबाने का समय 30 सेकेंड है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। यह हमें सुबह सुबह बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए ही दबाना है। ये पॉइंट हमें दोनों हाथों और दोनों पैरों पे दबाना है। इसे दबाने से हमारा नाभि चक्र ठीक हो जाएगा और हमारे पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नाभि चक्र का पॉइंट हमारे पैरों में भी है। ये हमारे पैर के 1/3 नीचे सेंटर में हमें यहाँ दबाना है। इसे दबाने का समय 30 सेकेंड है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। हमें अपने पांचवें पॉइंट में दोनों हाथों और दोनों पैरों में इंटेस्टाइन से संबंधित पॉइंट दबाने हैं, जो हमारे आधे हाथ के नीचे हमें यहां दबाना है। ये हमारे इंटेस्टाइन से संबंधित पॉइंट है। ये हमें अपने दोनों हाथों पे दबाने हैं और इसी तरीके से हमें अपने दोनों पैरों पे भी दबाना है। इसे दबाने का समय 1 मिनट है। प्रेशर इस पर मध्यम रहेगा। इंस्ट्रक्शन, अपने अंगुली या अंगूठे की सहायता से आप प्रत्येक पॉइंट को उतने समय के लिए दबाएं, जितने समय के लिए मैंने आपको पॉइंट के साथ बताया है। प्रेशर आप न डालें जो आपको सुखद महसूस हो और जो दर्दनाक ना हो। प्रत्येक पॉइंट को आप शरीर के बाएं और दाएं दोनों हिस्सों में समान समय के लिए दबाएं। दर्द में राहत के लिए आप यह प्रक्रिया दिन भर में 5 बार तक दोहरा सकते हैं। क्वेश्चन, यदि आपको एक्यूप्रेशर करते समय कोई असामान्य लक्षण महसूस होते हो, जैसे चक्कर आए या दर्द हो, तो यह थेरेपी आप तुरंत बंद कर दें और लक्षण बंद ना होने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। IBS को कम करने के लिए सुझाव और टिप्स। नंबर 1 है हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। आपको फ्रेश खाना खाना है और फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना खाना ही खाना है। आपको अपने खाने में फाइबर इंटेक की मात्रा को बढ़ाना है, जो हमें फलों और सब्जियों में फलों के जूस, ग्रीन स्मूदी, अंकुरित दालों के रस में मिलेगा। और आपको मल्टीग्रेन आटा चोकर युक्त ही अपने खाने में उपयोग करना है। नंबर 2 टिप है, ट्रिगर खाद्य पदार्थों से बचें। आपके लक्षण बिगाड़ने वाले ट्रिगर खाद्य पदार्थों को पहचानें और उन्हें खाने से बचें। नंबर 3 टिप है, आप हाइड्रेटेड रहें। आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ताकि आप IBS से बच सकें।
नंबर 4 टिप है ईट स्मॉलर मील। बड़े भोजन की बजाय छोटे छोटे मील में आप अपने खाने को 3 से 4 बार तक खाएं। नंबर 5 टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें जो कि है मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीथिंग। नंबर 6 है रेगुलर एक्सरसाइज। आप सुबह शाम 5 से 6 किलोमीटर टहलें और खूब एक्सरसाइज करें जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा और आपका बॉल फंक्शन भी ठीक हो जाए। टिप 7 है सफिशिएंट और क्वालिटी स्लीप। आपको रात को 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। नंबर 8 है लाइफस्टाइल चेंज। आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, अत्यधिक कैफीन जैसे कड़क चाय, कॉफी आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसकी जगह आप हर्बल टी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप। नंबर 9 है आपको अचार, ब्रेड, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, दूध, बिस्किट, मिठाइयाँ और बाहर का तला हुआ और मसालेदार खाना, अधिक पेनकिलर और एंटीबायोटिक खाने से आपको बचना है। नंबर 10 है दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स IBS में सुधार करते हैं, इसीलिए आप अपने खाने में जितना हो सके फ्रेश दही को शामिल करें। नंबर 11 है शांत जीवन व्यतीत कर हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, चिंता, क्रोध और तनाव से दूर रहें। नंबर 12 है कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और सुझाव का उपयोग करके अपनी IBS की समस्या को कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें अपने सुझाव और राय देते रहें और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक्यूप्रेशर करते रहें। हैप्पी हीलिंग।